आगे। नमस्कार, मैं हूं जिंगर दाऊ और फिलहाल मैं मौजूद हूं डिफू, जो ने जो कि डिफू से 4 किलोमीटर दूरी पर, जो कि अब देख पा रहे हैं कि यहां त्रिकलोंग मोटर्स। तो हम बात करने जा रहे हैं कि आज सभी को पता है कि आज चिल्ड्रंस डे है, तो उसी अवसर पर हमने यहां देखा कि ये त्रिकलोंग मोटर्स के द्वारा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे को यहाँ एक आर्ट कॉम्पिटिशन का एक आयोजन किया जा रहा है, तो उसी को हम अब देखने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ का जो मैनेजर या यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ का नजारा, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ का जो पार्टिसिपेंट जितनी भी हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्कूल का नहीं है, बल्कि पुरुष का जो जितनी भी अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं। और फिलहाल शाम हो चुके हैं, लेकिन उन लोग अपना अपना जो आर्ट कंपटीशन का भूमिका निभा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक हिल का जो आर्ट कर रहे हैं, कोई एक बैलून का आर्ट करते हुए हम नजर आ रहे हैं। और एक लड़का है जो वाटरमेलन को अच्छी तरह से आर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं, तो एक एक दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगभग 25 से 30 20 to 30 पार्टिसिपेंट होंगे। और आज का प्रोग्राम है चिल्ड्रंस डे, जो सभी को पता है आज 14 नवंबर है। और मैंने पहले बताया कि ये एक कार का शोरूम है, जिसमें सिर्फ कार ही नहीं बल्कि यहाँ 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर दोनों उपलब्ध हैं। और इस ऑफिस का कुछ नजारे भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये था उन लोगों का ऑफिस, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ का जो असिस्टेंट जो स्टाफ है। तो ये है नेक्सा मारुति सुजुकी से जो इसका पोस्टर भी लगा हुआ है। अभी शाम हो चुके हैं, लेकिन जो चिल्ड्रंस डे का जो सेलिब्रेशन अभी तक यहाँ तो जारी है। आज पता है अलग अलग हर एक स्कूल में या गांव में कहीं में भी आज इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ है, लेकिन ये शोरूम के जरिए या जो कार डीलर के द्वारा भी इस तरह का प्रोग्राम करना भी एक बहुत एक आनंदित का एक विषय है। तो चलिए हम बात करेंगे हमारे साथ जो इस शोरूम का असिस्टेंट, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम केदार इंती कथार है और मैं यहाँ का त्रिकलोंग मोटर्स का रिलेशनशिप मैनेजर है। तो यहाँ हम लोग का स्टाफ लगभग 7 स्टाफ मेंबर्स है, और हम लोग यहाँ पे नॉट ओनली 4 व्हीलर्स, बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स हम लोग यहाँ पे सेल्स और सर्विस भी देता है। थैंक यू। तो इस तरह का चिल्ड्रंस डे और बच्चों को इस तरह का आर्ट कॉम्पिटिशन कराना और इसी समय में जी, तो किस तरह आइडिया आया है? आइडिया तो आया, वैसे सभी लोग मालूम है आज नवंबर 14 हैप्पी चिल्ड्रंस डे है, तो हम लोग भी सोचा कि यहाँ जितना कस्टमर है यहाँ से लगभग 35-40
स्कूटी सेल्स ऑलरेडी हो चुका, तो हम लोग सोचा जितना सभी लोग का कस्टमर का चिल्ड्रंस होगा, तो सोचा वैसे हम लोग भी यहाँ पे आर्ट कंपटीशन और ऐसे एक्टिविटीज करेगा ऐसा सोचा था। तो क्यों सोचा वो हम लोग स्टूडेंट्स को भी इनकरेजमेंट देना है और वो सब वगैरह स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स सभी का अलग अलग टैलेंट है वो दिखाने के लिए, वो टैलेंट को उभर के लाना। यस यस यस, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ने इस प्रोग्राम को रखा है। हाँ जी, तो जैसे बता रहा था कि आप लोग का ये शोरूम जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों उपलब्ध है, जो मारुति सुजुकी का है, सुजुकी या मारुति सुजुकी। तो ये शोरूम कब से है ये भी जानकारी हमारा जो व्यूअर्स है उन लोग को हम भी जानकारी देना चाहते हैं। इस साल जुलाई 25 से ओपनिंग हुआ था। यहाँ लोकेशन तो लामडिंग रोड डिफू है, नियर GNM वही है। तो हम अभी 4 months रनिंग हो रहा है, चल रहा है अभी। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सो मच। मैं और भी ज्यादा से जानकारी के लिए मैं आप लोगों को ये पोस्टर दिखाना चाहूंगा। उन लोगों का एड्रेस जो है त्रिकलोंग मोटर्स फाइनेंस एंड एक्शंस अवेलेबल इस तरह से लिखा है, और 4 किलोमीटर लामडिंग रोड जो कि नियर GNM ट्रेनिंग स्कूल डिपो, तो इस तरह का उन लोगों का एड्रेस है। अगर किसी को हमारा व्यूअर्स में से अगर सुजुकी कंपनी का जो टू व्हीलर है या मारुति सुजुकी का जो फोर व्हीलर उनके बारे में एक्सचेंज करना चाहते हैं या इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये डिपो से बिल्कुल नजदीक, ये डिपो ही है, बस डिपो टाउन से 4 किलोमीटर बाहर, वहां पे आकर के आप लोग यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा जो आर्ट का कंपटीशन है वो अभी उनका जो रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे जो एक असिस्टेंट है वो धीरे धीरे उन लोगों का जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों का जो कॉपी है उनको जमा लिया जा रहा है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वो खास करके LP स्कूल के बच्चे हैं, और मैंने पहले बताया कि यहाँ का जो कोई पर्टिकुलर एक स्कूल का नहीं है बल्कि विभिन्न स्कूल से यहाँ आए और अपना अपना जो टैलेंट उसको उभरने के लिए एक इस त्रिकलोंग मोटर्स के द्वारा आज स्टूडेंट्स डे के अवसर पर एक आयोजन किया है ताकि उन लोगों का जो टैलेंट को उभर कर ला सकें। ये बच्चे जो हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं और अच्छी तरह से वो अपना जो ड्राइंग, अपना जो आर्ट है उसको, अपना कला को इस कागज पर निकल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो हरा रंग से जो पहाड़ का नजारा वो आर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कॉपी पार्टिसिपेंट्स ने अपना जो कॉपी यहाँ का जो असिस्टेंट है उनको जमा कर चुके हैं। आपसे एक बार पूछना चाहूंगा टोटल पार्टिकुलर कितना स्टूडेंट्स आज पार्टिसिपेंट लिया? लगभग 40 तब तो काफी सारा बच्चे हैं। तो आप लोगों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये पहले का जो
डायरेक्टर सॉरी जो मैनेजर, उसने बताया कि पहली बार है, तो आपको ये पहली बार ऐसा करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, तो आज का जो डीपू पे आकर के यानी कि इस ट्रिकलॉन्ग मोटर्स में अवसर पर इस तरह से बच्चों को आर्ट कंपटीशन का जो आयोजन करते हुए मुझे भी महसूस अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन इसी तरह हर एक न्यूज को या हर एक अपडेट को पाने के लिए आप देखते रहें बुराइल न्यूज। थैंक यू। आया होगा ना, हो जाएगा।